साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई एक गज़ब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास अमुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश के ईमानदार
जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों केजी आप चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म केजी आप चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास अमुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सैटी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF आप चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF आप चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमान फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग
एंगेज हो उसे देखें। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF Chapter 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF Chapter 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म KGF Chapter 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है।
साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के ज़िद की कहानी है और उसी ज़िद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फ़िल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी
देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को दो पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सैटी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने जाता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा, क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें, आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में।
दरअसल दोस्तों, फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरणशक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश शेट्टी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे
और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर टू को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी, और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर टू फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर टू के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था, और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था, और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया, और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे, और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर टू की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जिद की कहानी है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर टू है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर यह भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर, और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है, और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है,
और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे केजी आपका सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती हैं इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी बाय और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश शेट्टी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं।
अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF Chapter 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF Chapter 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF Chapter 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश, राव रमेश, प्रकाश राज, अच्युत कुमार,
रमेश इंदिरा, श्रीनिवास अमुथिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सैठी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें, आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने।
प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश, राव रमेश, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास अमुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सैटी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमान फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें, आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे,
और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों, फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन,
इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फ़िल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फ़िल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फ़िल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फ़िल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फ़िल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फ़िल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फ़िल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश शेट्टी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है
तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF Chapter 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF Chapter 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF Chapter 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव रमेश, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमान फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फ़िल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई
और उनका KGF जरूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को दो पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा, क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें, आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था
और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था। और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानु शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश शेट्टी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं।
ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर टू को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी, और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों केजी आप चैप्टर टू फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म केजी आप चैप्टर टू के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था, और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.25 घंटे के आसपास का था, और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया, और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानु शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश, राव रमेश, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास अमुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठ एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश शेट्टी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे, और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF आप चैप्टर टू की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF आप चैप्टर टू है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर, और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है, और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF आपका सारा सोना चाहिए,
और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है, और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है, और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी, और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है, और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था, और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था, और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया, और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे, और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी।
तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो है वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमान फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF Chapter 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF Chapter 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF Chapter 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय,
ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है, जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की ज़िद की कहानी है और उसी ज़िद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सकें। तो अनुमान फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है।
जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सैटी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगे। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें, आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं,
इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों, फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरणशक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश शेट्टी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमान फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं।
क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा, क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.25 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गाँव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर यह भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर
पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बे इंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने जाता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े घुसबम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है।
अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सकें। तो अनुमान फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 3.25 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को दो पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है,
लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जोश, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश, राव रमेश, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास अमुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सैटी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है, जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम केजी आप चैप्टर टू की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो केजी आप चैप्टर टू है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश, जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है, और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए, और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है, और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त, जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है, और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर टू को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी, और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है, और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर टू फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर टू के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था, और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों
अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था। और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने। प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया, और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी बाय और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवासा मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश शेट्टी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे। और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है, और उस जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वे हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर, और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है, और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए, और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है, और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी के संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है, और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी।
तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है। तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर टू को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है और क्या ये मूवी YouTube पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KGF चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फ़िल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की हैं। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, स्वानू, शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास मुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सेठी, तारक पोनापल्ला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ के जिद की कहानी है और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से। अगर आप सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया। पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है।
और उसकी राह आसान तो नहीं होती है, और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधिरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधिरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है, और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुज़बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये हमें निराश भी नहीं करेंगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि कीजिए आप चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी, और जो सोनी मैक्स का टीवी चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है। साउथ की दोस्तों एक ज़बरदस्त फिल्म के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी अगर इस शानदार फिल्म को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये उपलब्ध है, और क्या ये मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी दोस्तों KG आप चैप्टर 2 फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की फिल्म KGF चैप्टर 2 के बारे में। दरअसल दोस्तों फिल्म की बात की जाए तो इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था, और फिल्म के अंदर हमें क्राइम और एक्शन देखने को मिला था। इस मूवी का जो रन टाइम था वो लगभग दोस्तों अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का था, और इस फिल्म की IMDB रेटिंग 10 out of 8.2 की है, जो कि वाकई ही एक गजब की रेटिंग है। इसके अलावा जो रॉटन टमेटोज है वहाँ पर भी इस फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और बात करें फिल्म की आगे, तो ये जो मूवी है इसे डायरेक्ट किया था प्रशांत नील, जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, और इन्होंने अपने करियर में काफ़ी सारी फिल्में दे रखी हैं जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की है। जितना दोस्तों इस मूवी का बजट था उससे 10 गुना ज़्यादा इसका कलेक्शन हुआ था, यानी कि दोस्तों लगभग 1200 करोड़ का कलेक्शन जो है इस फिल्म का हुआ था। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को दिया, और फ्यूचर में यह फिल्म दोस्तों जो है वो ऐसी बन गई कि हम जब भी साउथ की मूवी देखते हैं या फिर साउथ का नाम लेते हैं तो हमारे सामने रॉकी भाई और उनका KGF ज़रूर आ जाता है। हालांकि इस फिल्म को 2 पार्ट के अंदर बनाया गया है, दोनों ही पार्ट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में आपको थोड़ा और मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको विलन के तौर पर संजय दत्त देखने को मिलेंगे। इस मूवी के मुख्य किरदार में हमें यश, श्रीनिधि शेट्टी, रवीना टंडन, रूपा रेप्पा, अर्चना जियोस, गरुड़ा राम, सोनू शरण शक्ति, ऐश्वरी राव, अनंत नाग, मालविका अविनाश राव, रमेश प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रमेश इंदिरा, श्रीनिवास अमुतिया, लकी लक्ष्मण, वशिष्ठा एंड सिम्हा, विनय बिडप्पा, यश सैटी, तारक पोनप्पला, हरीश राय, ऐसे बहुत सारे किरदार देखने को मिलेंगे, और सभी ने बहुत ही बढ़िया काम इस फिल्म के अंदर किया है जो कि हमें निराश नहीं करने वाला है। कुल मिलाकर कहूँ तो ये एक ज़बरदस्त दोस्तों जो है वो फिल्म है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही में ये निराश नहीं करेंगे, ये आपको एंगेज भी करके रखती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में, और जानते हैं कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये अवेलेबल है। अगर हम KGF चैप्टर 2 की बात करें तो कहानी को लेकर यहाँ पे डायलॉग दोस्तों काफ़ी फेमस है। ये एक छोटे से गांव में रह रही माँ की जिद की कहानी है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए रॉकी किस हद तक जाता है वह हम इस फिल्म के अंदर देखेंगे, यानी कि जो KGF चैप्टर 2 है इसके अंदर हम वही देखते हैं। अगर बात करें इस फिल्म की स्टोरी के बारे में, तो अगर आप पहला पार्ट देखे होंगे तो फिर आपको दूसरा पार्ट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पर ये भी है कि जो पहला पार्ट है वो लिंक है, मतलब दूसरा पार्ट जो वो लिंक है पहले पार्ट से, अगर आप
सीधा देखने जाएंगे दूसरा पार्ट तो शायद आपको समझ ना आए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहला पार्ट भी ज़रूर देख लें ताकि आपको कहानी समझ आ सके। तो अनुमन फिल्म की शुरुआत जो है वो ऐसी होती है कि लोग एंगेज हो उसे देखें, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज़ होती है जिनका पहला पार्ट अगर हिट होता है तो फिर दूसरा पार्ट इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और हो गया, पहले पार्ट ने जितना कलेक्शन नहीं किया उससे ज़्यादा दूसरे पार्ट ने कलेक्शन कर लिया। अब दूसरे भाग की कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ पर पहला भाग ख़त्म होता है। रॉकी भाई यानी कि यश जो कि अब राज कर चुका है KGF के ऊपर और उसने गरुड़ा को मार दिया है, उसे वहाँ के लोगों का बेइंतहा प्यार मिलता है और उसी प्यार के बलबूते पर वो रॉकी अपना खुद का जो है मतलब एक साम्राज्य खड़ा करता है। और यहाँ रॉकी आंधी तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है और एक मंजिल फतह करने के बाद वो दूसरी मंजिल पर जीत हासिल करने चाहता है। उसे KGF का सारा सोना चाहिए और अपनी माँ से किया वादा जो है पूरा करने के लिए उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनता है। और उसकी राह आसान तो नहीं होती है और उसके दुश्मन जो होती है इनकी तादाद बढ़ती जाती है। गरुड़ा की बहसी और भाई अधीरानी की संजय दत्त जिसकी तलवार खून की प्यासी है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो यहाँ पर होता है वो यही होता है। अब यश को यहाँ पर अधीरा के साथ ही देश की ईमानदार जो प्रधानमंत्री होती है रमिका सेन, इनके भी विरोध का सामना करना पड़ता है। और अब उसके ज़िंदगी में जो श्रीनिधि है उनका प्यार की बहार वो ले आती है और उस पर उसकी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। क्या रॉकी अपने दुश्मनों को मात दे पाएगा? क्या वो अपने माँ से जो वादा किया है उसे पूरा कर पाएगा? जैसे कि हम देखते हैं कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा और रईस आदमी बनकर मरेगा। तो ये सब कुछ आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही तगड़े गुस्बम आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे और ये हमें निराश भी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये एक अच्छी फिल्म है दोस्तों जिसे आप एक बार देख सकते हैं, ये आपको निराश नहीं करेंगी। जो लोग एक्शन मूवीज़ देखते हैं इन्हें तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी मूवी बनाई गई है, तो आपको समय मिले तो इस कमाल की मूवी को यानी कि KGF चैप्टर 2 को आप मिस ना करें। आप इस शानदार फिल्म को ज़रूर देखिए। ये आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर मिल जाएंगी और जो सोनी मैक्स का TV चैनल है वहाँ पर भी ये फिल्म दोस्तों अक्सर आती रहती है।